एक्चुअली मेरी तीसरी फिल्म है मोहित के साथ. पहली दो फिल्मों में जो किरदार मैंने निभाया वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हैं. पहली बार ऐसा किरदार निभा रही हूँ जहाँ पे एक अमीर घराने की लड़की है जो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है, सब उससे चाहते हैं. बाहर से मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, बड़ी गाड़ी में घूमती है, बाहर से ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक है उसकी ज़िंदगी में. लेकिन जो कभी कभी बाहर से सबको लगता है कि यार ये तो बहुत खुश होगी लड़कों को उसके साथ, लड़कों को वो पसंद है, लड़कियाँ चाहती है कि वो उसकी तरह बने. पर इस बार इस जो बाहर से मतलब ऐसे सबको दिखता है कि शायद ये लड़की बहुत खुश है, लेकिन वो असल में है नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ शायद मतलब ऑफकोर्स जिन्होंने किताब पढ़ी है उनको पता होगा, पर कुछ ऐसा शायद हो रहा है या हुआ है जिसकी वजह से वो घबरा गई है पूरी तरह से प्यार करने में. तो ऑफकोर्स आई थिंक दैट मोहित बीइंग द मास्टर ऑफ जो वो गहरा प्यार दिखाते हैं स्क्रीन पे, तो आई थिंक दैट पीपल विल इंजॉय सीइंग कि जो माधव है कितना प्यार करता है इस लड़की से, लेकिन वो घबराई हुई है और इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड हूँ. तो काफ़ी अलग था इस बार, क्योंकि जो दिल्ली की लड़की है, जो हाई सोसाइटी की लड़की है, वो कैसे बात करती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, और ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. असल लाइफ में मैं ज़्यादा करके टॉम बॉयश हूँ, यहाँ पे मतलब ऑफकोर्स प्रेजेंटेबल आना होता है, लेकिन मोहित ने मुझे देखा है मैं कैसी रहती हूँ, ज़्यादा करके चप्पल, ट्रैक पैंट और टी शर्ट में. तो बहुत चैलेंजिंग था हम दोनों के लिए कि उन्होंने कहा कि प्लीज़ उस बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा फोकस करना. जहाँ से रिया सोमानी आती है, जिस घर से आती है, सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेशन है जहाँ से वो आती है, तो वो कोशिश की है टू शो इट इन द बॉडी लैंग्वेज. होपफुली लोग देखेंगे एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगा. थैंक यू. फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू चेतन. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग डे फॉर एनी ऑथर टू बी एबल टू बी रीप्रिंटेड रिगार्डलेस ऑफ द कवर. जस्ट शोज how important and relevant his literature has been for India as a nation to come together and start reading to that extent. So a big congratulations, Chetan, and I hope it continues. It's very difficult to compare, ma'am, when you play characters like Madhav and Krish Malhotra. There is actually a major society difference in terms of the upbringing, cultural mindset, the thought process. There is Krish Malhotra is a boy who has formally been completing his education at a college. He does fall for a girl. They have a live-in relationship, and somewhere they want to culminate the commitment and take it into marriage, and they have obstacles that come from the family. He's had his own upheavals in his personal life that have made him a certain way, where he values his mother and her opinion a lot. So he goes against all odds to try and make things right. But his society and upbringing and his cultural mindset is very different. Madhav Jha deals with the fundamentally, अगर आप सोचें कि क्रिश की ज़िंदगी में ये बाधा थी कि उसको नौकरी कौन सी मिलेगी. माधव झा जब बड़े हो रहा था उसे शायद ये प्रॉब्लम होगी कि गांव में पानी कैसे आएगा, गांव में बिजली कैसे आएगी, मैं बाहर जाके पटना तक भी पहुंच पाऊंगा पढ़ाई करने के लिए या नहीं, कहीं ना कहीं विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट स्मॉल स्कूल दैट माई मदर हैज़ बिल्ट. माधव झा इज़ द मोस्ट सेल्फलेस कैरेक्टर आई प्लेड. आई वुडेंट कंपेयर हिम टू एनी अदर कैरेक्टर, बिकॉज अगर आप जिन्होंने यहाँ पे बुक पढ़ी और जो नहीं भी पढ़ चुके जब फिल्म देखेंगे, जिस चीज़ से मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ ये किरदार निभाने में, वो ये थी कि आज के ज़माने में सब अपने बारे में सोचते कि चलो हम पढ़ लिख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में, कुछ कमा लेंगे, कुछ कर जाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी बसा लेंगे, अपनी फैमिली बना लेंगे. यहाँ पे इस इन 2017 टू फाइंड अ बॉय हु हैज़ द माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस कि मैं बास्केटबॉल में अच्छा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक पहुँच पाऊँ, जहाँ से मेरी एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जो बड़े शहर में हो, ताकि मैं पढ़ सकूँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ एक इंग्लिश मीडियम मकाम पे जाके, ताकि आई कैन कम बैक टू माय विलेज एंड मेक माय विलेज बेटर एंड मेक माय पीपल हु आर अराउंड मी दे हैव अ बेटर लाइफ. एंड इट स्टेम्स फ्रॉम अ सिंपल थिंग वेर ही वुड लाइक टू डू समथिंग गुड, टू हैव इनफ बाथरूम्स फॉर द गर्ल चिल्ड्रन इन हिज विलेज. And somewhere that's a very big thought for a writer to be able to put in through one character. It is a thought that is something that exists in India across. He's made it Bihar. It could have been Gujarat. It could have been Karnataka. It can be Andhra Pradesh. This is a problem we all face. And we have all been that principle also, where we have said,
क्या पता यार, इंग्लिश तो ठीक से बोलता नहीं. अब इसके यू नो लेट्स नॉट गिव हिम इम्पोर्टेंस. अ पर्सन हू स्पीकिंग इंग्लिश, या ही इज सॉर्टेड, ही इज इंटेलिजेंट, वी मस्ट पे अटेंशन टू हिम. एंड दैट्स फॉर मी, दैट रियली टुक मी इन. लाइक दिस इज अ स्टोरी दैट विल टच, आई नो फॉर अ फैक्ट, ईच एंड एवरी इंडियन, बिकॉज दे ऑल फेस्ड दिस लैंग्वेज बींग अ बैरियर, वेर हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, बिकॉज ऑल योर जॉब्स कमिंग फ्रॉम इंग्लिश. यू आर फोर्स टू थिंक अबाउट इंग्लिश मीडियम फ्रॉम अ वेरी यंग एज. इवन पेरेंट्स हू नॉट स्टडीड विल ऑलवेज टेल देयर चिल्ड्रन, नहीं नहीं हिंदी मीडियम मत पढ़, इंग्लिश. हियर्स अ बॉय हू स्पीक्स एज इट इज, इवन दो ही नोज दैट ही कांट स्पीक इंग्लिश. ही सेड एग्जैक्टली वॉट मोस्ट पीपल वुड हैव द फियर ऑफ सेइंग. So Madhav Jha is a very, very special character. I'm very fortunate to get to play him. And I know it sounds very cerebral when I'm talking right now, that but these are the small things that define a character and make him connect and resonate with people when they're watching. So I hope that happens, because it's very well crafted by both of them. Him as a writer, him as a director who's taken the material. And through entertainment, through the love story, it also deals with all the upheavals that people face in society in terms of the heartland of India. And that's a very big section of our audience that we tend to negate from time to time. So I'm very, very happy to play a character that I feel will resonate with majority of India, not the minority of India. So that's a good thing.